नौकरी को, जिनके सपनों को मोदी जी ने चकनाचूर किया, उनको न्याय दिलाने का काम जो है वो राहुल गांधी जी ने उसका संकल्प लिया। और उसको हम तीन चरणों में जो है, मैं आपको प्रोग्राम उसका बता देती हूँ कि पहला चरण है संपर्क, जिसमें हम जन संपर्क करेंगे, करीबन 30 लाख परिवारों से हम मिलेंगे और उनको, उनसे मिलकर और सारी उनको जानकारी देंगे इस चीज की, और अपने खुद से जुड़ने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे। उनको एक फॉर्म दिया जाएगा एक पत्र के साथ, और उनको इस आंदोलन में शामिल होने के लिए उनसे अनुरोध किया जाएगा। दूसरा चरण हमारा है सत्याग्रह। सत्याग्रह में हम अधिक से अधिक युवाओं और उनके परिवारों तक पहुंचेंगे, जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और उसके चल रहे अभियान के बारे में उन्हें जागरूक करेंगे। और इसकी अवधि जो है 5 मार्च से 10 मार्च है, जो कि अभी जारी। तीसरा चरण जो हमारा है वो है न्याय यात्रा, जिसमें हम पद यात्रा करेंगे और सभी जिलों में 50 किलोमीटर तक की यात्रा हम निकालेंगे और ये 17 मार्च से 20 मार्च चले। और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे। इसमें हमारे साथ वो युवा तो है ही, वो 1.5 लाख युवा जिनके साथ हम पूछ रहे हैं, वो युवा तो है ही। इसके अलावा हम 20 लाख लोगों को और जोड़ने का इसमें प्रयास करेंगे, ताकि वो युवाओं को न्याय मिल सके। और इसमें हमारी मांग ये है कि अपने ये योजना को सीधे से खारिज किया जाए, और जो हमारी ओरिजिनल जो व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए।